नहीं ऑल रिकॉर्डिंग ही के लिए राजा अपलोड के लिए दोल जो पर रिमेनिंग होते हैं तेरे अपलोड के लिए फिर पर क्या मिले मर्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स एंड ए रेस टू 4। नजीर ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। देयर फोर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वेयर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। टेल मी द वैल्यू ऑफ S1 6 S2 इज इक्वल टू फाइंड करा S2 ची वैल्यू सांग काय आहे S2 9 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू4 4 सर डिटरमाइन Therefore, lambda cube minus 6 lambda square plus 9 lambda minus 4 is equal to 0. नेक्स्ट काय करायचं? टू प्रूव दैट कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू प्रूव ए क्यूब माइनस 6 a² प्लस 9 a माइनस 4 i इज इक्वल टू 0। हाँ फाइंड करा a² ची वैल्यू फाइंड करा त्यानंतर नेक्स्ट कोणती वैल्यू a³ ची वैल्यू फाइंड करा आणि पुट करा वैल्यू a² फाइंड करा a³ फाइंड करा पुट करा वैल्यू आणि प्रूफ सांगा मला काय देत फेरी पा होते क्या लॅम्बर्टन थेरम ते सांगा।
रोल नंबर सिक्स प्रेजेंट है क्या? एट ओके ओके रोल नंबर इलेवन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स माइनस फोर आई वैल्यू पुट करा, ए क्यूब की वैल्यू पुट करा, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर पुट करा प्लस नाइन ए पुट करा माइनस फोर आई की वैल्यू पुट करा, सब वैल्यू इसमें पुट कर दो ओके। और इज इक्वल क्या आना चाहिए टेबल, जीरो 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 एट आना चाहिए ओके। इज इक्वल क्या होगा फिर आर एच एस, उसके बाद क्या करना है टू फाइंड ए इनवर्स, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वेयर प्लस नाइन ए माइनस फोर आई इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ए स्क्वेयर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई माइनस फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर ए इनवर्स तिकडे घेऊन जावा, फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वेर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई, देअरफोर ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर ए स्क्वेर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई, therefore A inverse is equal to देखा matrix put कर दो 1 by 4 in bracket तो matrix matrix put करा सगले matrix जो matrix है इसमें put कर दो A square का matrix put कर दो 6 उसके बाद A का matrix put कर दो उसके बाद plus 9 I का matrix put कर दो सिर्फ matrix put कर दो लेकिन आंसर क्या करना है हमें डायरेक्ट ही निकलना है आंसर कैसे निकलने बाय यूजिंग कैलसी शिफ्ट उसके बाद फोर उसके बाद थ्री उसके बाद वन और उसके बाद शिफ्ट शिफ्ट बटन दबा के एक्स स्क्वायर को पुट एक्स रेस टू माइनस वन जो है कैलसी में वो पुट कर रहा हूँ क्या थे फर्स्ट ए इनवर्स फर्स्ट हाँ थ्री बाय फोर कितनी थ्री बाय फोर जर वैल्यू पॉइंट मध्ये असेल तर काय करायचं शिफ्ट ए बी सी शिफ्ट ए बी सी स्मॉल ए बी सी बटन आहे बाजूत हा नेक्स्ट सांगा वन बाय फोर नेक्स्ट
वन माइनस वन बाय फोर. नेक्स्ट वन बाय फोर. थ्री बाय फोर. नेक्स्ट वन बाय फोर. माइनस वन बाय फोर. नेक्स्ट वन बाय फोर. थ्री बाय फोर. डैड बाय यूजिंग कैल्सियम आंसर फाइंड करें. ओके तो चेक करा पूर्ण आंसर. ए रेस टू फाइंड करा था. ए रेस टू फाइंड कर सकते हो तुम्हें. ए रेस टू फोर. ओके टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सर ए इनवर्स के बाद क्या फाइंड करना है सर? वो ए रेस टू फोर. ए रेस टू फोर तो आप कैलसी यूज करके फाइंड कर सकते हो ना. हाँ ओके ओके. हेलो ए थ्री एंड कैलसी प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों. काल ए रेस टू एन कैलसी कैल्स कैसी वाप मंजे ए रेस टू एन वाप अपना सर्टी कैलसी कैसी यूज करते हैं नंत्रे दोस्तों. तो अवघड झाले गो कॅल्सियम घेऊन आलो नाही. नाही तर काल डिस्क्राइब झालं तर माहिती. ठीक आहे. तुम्हाला काय करायचं? आपण अगोदर मॅट्रिक्स सेव्ह केलेला आहे ना. मॅट्रिक्स मॅट्रिक्स सेव्ह करायचं जमतोय ना. हां फक्त ए रेस टू एन कसं फाइंड करायचं माहिती. ए रेस टू मायनस वन ना. ए रेस टू एन. ए रेस टू एन नाही फाइंड करता येणार. ए रेस टू एन कसं फाइंड करणार? जसं तुम्ही क्यूब काढू शकता. रेस्ट तुम्ही 4 नाही काढू शकत. आता काय करा लागेल? ए स्क्वेअर तुम्हाला इनटू ए स्क्वेअर करायल. एन का सर हम कोई एन का सर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं सर. वेरिएबल है एन. ए रेस्ट टू 2 ए रेस्ट. हां एन के लिए अभी आपको ए स्क्वेअर फाइंड करना है ना. ए स्क्वेअर तो क्या करना होगा मालूम है? एम ए टी उसके बाद क्या होगा? ए उसका स्क्वेअर इनटू कर दो फिर एम ए टी ए स्क्वेअर कर दो. म्हणजे ए रेस्ट टू हां 4 मिल जाएगा. ए रेस्ट टू 4 का ए रेस्ट टू क्यूब यूं तो ए के लिए चलते हैं. हो वो भी चलेगा. लेकिन आपके पास हाँ वो भी चले कोई प्रॉब्लम. मला वाटलं तुम्ही का सांगितलं का ए रेस टू एन कारण की मला डिस्कनेक्ट. ए रेस टू एन नाही. ए रेस टू एन नाही. आपण फक्त क्यूब मॅक्सिमम हम क्यूब तक फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हमें क्या करना होगा? ऐसा रूल यूज करना होगा कौन सा? तो फाइंड करने के लिए आगे की वैल्यू. तो आगे के लिए ए रेस टू एन कैसे? कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है उसमें. मैट्रिक्स ए रेस टू एन सिर्फ एन एन इज इक्वल टू आप मैक्सिमम 3 फाइंड कर सकते हो. उसके बाद फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? एम ए टी ए क्यूब उसके बाद एम ए टी ए ले सकते हो आप. तो आपको क्या मिलेगा? ए रेस टू 4 मिलेगा. यहाँ पे स्क्वेयर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो. ओके जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो मैक्सिमम आपको पूछते ही नहीं उतने. अभी ए रेस टू 4 पूछे ना आपको. तो आपके इसके लिए दो मेथड है.
एक ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यूज कर दो, नहीं तो ए क्यूब इंटू ए यूज कर दो, दोनों में से एक यूज कर दो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल ये चेक कर दो फर्स्ट हुआ क्या, 7 2 -2 चेक कर दो एग्जाम्पल, ये हो चुका देखो क्या लिया मटन थ्योरम में, 6 -2 1 -6 -2 1 6 2 -1 नहीं होगा तो सॉल्व कर दो आप यार, सॉल्व कर दो, ले लो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। अब मालूम है क्या करना है हमें, एस वन एस टू निकालना है, उसके बाद उसमें पुट करना है, लैम्बडा के जगह पे ए पुट करना है और फिर वैल्यू फाइंड करते जाना है। सर हाँ बोलो सर, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तब 0 येते मग त्याच्या मध नजर लैम्बडा कॉमन काढून जर ते पहिले फर्स्ट येते, चालेल 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 काय अडचण नाही। हाँ सर, सर डायरेक्ट हम कैलसी से नहीं निकाल सकते इनवर्स सर? हाँ निकाल सकते हो डायरेक्ट, वैसे ही निकालना है कैलसी, लेकिन आपको प्रोसीजर तो करनी होगी ना। सर इसमें वो भी लिखना है सर, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस, हाँ सब फाइंड करना है जैसे हमने पिछले एग्जांपल सॉल्व किया था ना, वैसे सेम सेम प्रोसीजर करनी है। फर्स्ट टाइम एस वन निकालना है, उसके बाद एस टू निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, सबकी वैल्यू। कल भी मैंने पूछा था सर, एस टू कैसे हम निकाल, कैलसी पर कैसे निकाल दे सर एस टू? कैलसी पे नहीं निकलता निकलता है एस टू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है मालूम है, अभी सेवन का माइनर लेना है, सेवन का माइनर मतलब ए डिलीट करके जो रिमेनिंग बचता है ना वो। हाँ सर, हाँ सर वो पता है सर, रफ ही करना है सर वो। हाँ वैसे ही निकालना है एस टू। ओके ओके सर, और असाइनमेंट नंबर वन असेल राइट 40 एमसीक्यू ऑन मैट्रिक्स चैप्टर, आपको क्या करना है 40 एमसीक्यू लिखने हैं हैंड राइटिंग से। ओके उसके बाद हर एक पेज पे आपका रोल नंबर जो होगा ना वो पुट कर दो यार, हर एक पेज पे ई 40 असेल, 44 असेल, 5 असेल, 10 असेल, कोणते असेल, ओके ई 60 66 कोणते असू द्या, तर तुम्हाला काय करायचं आहे रोल नंबर पुट करायचे आहेत प्रत्येक एव्हरी पेज, टू पुट युअर रोल कॉल रोल नंबर ऑन एव्हरी पेज ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू कुठले लिहायचे? तुम्हाला हे दिलेत की मी बुकलेट दिले की एमसीक्यूचा त्या पीडीएफ काय ते पाठवले त्याच्यातले लिहायचे का? राईट, आणि मी काय करणार तिथे परत काय करा स्कॅन करायचं, स्कॅन कर दो, स्कॅन करने के बाद मी आपको गुगल फॉर्म में भेज दूंगा एक, उस गुगल फॉर्म में काय करना आपको अपलोड करना है वो।
कब अपलोड करना है? 10 तारीख को अपलोड कर दो। मैं कल आज से स्टार्ट कर दो, मैं कल शाम तक आपको गूगल फॉर्म भेजता हूँ। उस गूगल फॉर्म में आपको क्या करना है, ये 40 असाइनमेंट लिखे हुआ जो होंगे लिखे होंगे उसका PDF निकाल दो स्कैन करके, वो PDF बनाओ और वो PDF क्या कर दो उस पर अपलोड कर दो। सर ओके हाँ बोलो। ते पेजेस सेपरेट का बुक मध्ये सी नोटबुक मध्ये कसे चालेल? नोटबुक मध्ये लिहिलं तरी चालेल किंवा सेपरेट पेज घेतलं तरी चालेल, कसे चालेल काय अडचण? हां सर। आपको मिनिमम 40 MCQ लिखना है वो पेज पे लिखो या सेपरेट पेज पे लिखे उस पर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो क्या कर दो, सबमिट कर दो। मुझे अभी उसका PDF क्रिएट करके रखो, मैं आपको गूगल फॉर्म भेज दूंगा, उस गूगल फॉर्म में अपलोड कर दो। हाँ बोला। ऑप्शन पर लिखे कि डायरेक्ट आंसर लिख दे? हाँ ऑप्शन लिखो ना, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नहीं लिखा तो आपको कैसे समझ में आएगा? ओके सर। बुक वगैरह से नोटबुक वगैरह सॉरी बुक असतील तर बुक मधले पण MCQ तुम्ही घेऊ शकता, काय अडचण नाही। हा बोला। ऑप्शन लिहून त्याच्या पुढे खाली करेक्ट आंसर लिहायचं का? हा करेक्ट करेक्ट सर। किती दिवस सर हेलो? आता तुम्हाला 10th दिले की सबमिट अप टू 10/3/2021 हो, तुम्हाला काय असेल 10th आहे, आता उद्या सुट्टीच आहे, 9 टुमारो इज हॉलिडे, परत लेक्चर नाही का म्हणून मेसेज करू नका, उद्या हॉलिडे माहिती ना। हॅलो सर। हो सर। येस हो सर। यासाठी वेगळं वे करायचे का? नाही काही गरज नाही, तुम्ही हाय म्हणजे नोटबुक मध्ये पण केलं तरी चालतील सॉल्व, काय अडचण नाही। एक्सप्लेनेशन काही गरज नाहीये, तुमच्या माझ्यासाठी लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता, काय अडचण नाही, पण काही गरज नाही एक्सप्लेनेशन, तुम्ही सॉल्व करूनच लिहिणार ना। आणि महत्वाची सूचना, जो मैंने आपको वहाँ पे फॉर्म अपलोड किया है ना MCQ का, जो मैंने नोट्स अपलोड किए उसमें से जो आंसर है वो मैच नहीं होते, मैक्सिमम आंसर के मैच नहीं होते वो आंसर्स, तो आप ठीक से सॉल्व करके लिखो, नहीं तो एज इट इज लिखोगे आप तो उसमें से जो आंसर है वो मैच नहीं होते, हर एक एग्जाम्पल के MCQ मैच नहीं होता उसका आंसर, आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्पल का, त्यातले जे सगळे एग्जाम्पल आहेत त्यांचा आंसर काय त्याचा मॅच होत नाही आहे, तुम्ही स्वतः सॉल्व करा, येत नसेल तर विचारा। और एक इम्पॉर्टंट नोटिस कोणती होती, कल छुट्टी आहे, उद्या सुट्टी आहे, त्यामुळे उद्या लगेच म्हणत नाही सर अजून लेक्चर चालू झालं नाही। ओके। आणि तुम्हाला कसं माहिती का, जर रिअलच का म्हणजे काय म्हणते तुम्हाला, जर काय प्रॉब्लेम असेल तर मेसेज करत जावं, कारण जवळजवळ तुम्ही 74 स्टुडंट आहेत, सर्वांचे मॅसेज आले की माझा मोबाईल हँग व्हायला लागला, एवढे मेसेज यायला लागलेत, कोणत्या पण रिझल्टला तुम्ही मेसेज करताय। आता मी एखादं क्वेश्चन तुम्हाला काय नोटीस वगैरे सांगले तर ओके म्हणून रिप्लाय द्यायची काय गरज नाहीये, ओके ओके म्हणून रिप्लाय देताय, परत मी लेक्चर जॉईन करा म्हणून सांगितलं लेक्चर तर तुम्ही लगेच जॉईन म्हणून पाठवताय, रिप्लाय देताय देऊ नका, कारण ते मोबाईल मध्ये 30-40 SMS लगेच येतात असे, मग ते बघत परत सगळे कट करत बसावं लागतं। आणि ते मी जे मेसेज पाठवतो ना ते मी ब्रॉडकास्ट ग्रुप केलेला आहे ब्रॉडकास्ट, त्याच्यामुळे काय होतंय तो मेसेज एकाला टाकला की प्रत्येकाला जातो मेसेज। ओके। आणि जॉईन म्हणलं की तुम्ही जे जॉईन आहे त्यांच्यासाठी पण जॉईन राहाच, पण जे जॉईन नाही त्यांच्यासाठी ते जॉईन होण्यासाठी पाठवलेलं असतं, तुम्ही जॉईन म्हणून सांगता मला लगेच सर आम्ही जॉईन आहे जॉईन, काही गरज नाही सांगायची, जर तुम्हाला काम असेल त्यावेळेसच मेसेज करत जावा। आणि ते स्क्रीनशॉट पाठवायचं बघा, एक तुम्हाला गुगल फॉर्म वगैरे फिल करायला सांगितलं ना तुम्ही स्क्रीनशॉट लगेच पाठवतात माघारी, मी ज्यावेळेस सेंड म्हणलं ना स्क्रीनशॉट, सेंड मी स्क्रीनशॉट तरच पाठवत जावा, सेंड स्क्रीनशॉट म्हणलं तरच पाठवायचं, नाही तर पाठवायचं नाही उगाच।